आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि टॉपिक है बेलनाकार या छड़। सिलेंड्रिक नर्वस क्या होता है, सिलेंड्रिक नर्वस कैसे काम करता है, सिलेंड्रिक नर्वस का क्या क्या उपयोग है हमारे नेत्र में, सारे चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है कि सिलेंड्रिक नर्वस क्या कहलाता है, अर्थात बेलनाकार या छड़ के बारे में हम जानेंगे। तो यह प्रकाश की मात्रा को इंगित करता है, अर्थात प्रकाश की मात्रा के बारे में बताता है। इसी के माध्यम से कम प्रकाश में भी देखा जा सकता है। देखो, बेलनाकार यह क्या करता है कि प्रकाश की मात्रा को इंगित करता है, जिसके माध्यम से हम कम प्रकाश में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो उल्लू में छड़ तंत्रिका सबसे शक्तिशाली होती है। उल्लू में जो कि छड़ तंत्रिका क्या होती है, सबसे शक्तिशाली होती है, अतः यह रात में क्या कर सकता है, देख सकता है। यानी जिस व्यक्ति की छड़ तंत्रिका सबसे ज़्यादा मजबूत होगी जी, वह व्यक्ति रात में भी सबसे अधिक देख सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री के अंश पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। क्या आपको इससे पहले ये बात मालूम थी? अगर नहीं मालूम थी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं तो अगला देख लो क्या करता है कि रतौंधी नामक बीमारी में बेलनाकार कोशिका प्रभावित होती है। जब किसी व्यक्ति को रतौंधी नामक कोई बीमारी होती है तो हमारी आँखों की जो बेलनाकार कोशिका होती है वह प्रभावित होती है। एक बार और हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो, एक बेलनाकार या छड़ क्या होता है, तो यह प्रकाश की मात्रा को इंगित करता है, अर्थात जिसके माध्यम से हम कम प्रकाश में भी क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखो, उल्लू में क्या होता है कि तंत्रिका, छड़ की जो तंत्रिका होती है वह सबसे शक्तिशाली होती है, सबसे मजबूत होती है, अतः यह रात में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री के अंश पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। जिस व्यक्ति को रतौंधी नामक बीमारी होती है उसका बेलनाकार कोशिका क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिस कारण वह व्यक्ति रात में देखने में असमर्थ रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।